Hello and welcome, all of you, to this very very interesting conversation that I am personally very much looking forward to have with my dear colleague Ratna, uh, Karan Singh. Of course, we Hello. know him, all of us know him and Piyush shivastha who's the Hello. writer of this fantastic series that's been ongoing on Storytel called Ishq Ke Dani. So, this chat is all about the release of season three of Ishkedane today on 14th Feb, which has come on our app. So this has been a series which has been really loved by a lot of people and it's been really appreciated by everyone. And so we have Ratna who kind of brought this up, and she's not only the publisher, the Narrator of the series, and of course, uh, she wrote this with, uh, along with, uh, developed this with Piyush, and we have got Karan who has lent his voice for this fantastic series. So let me start with Ratna. Ratna, today we have reached season three so so what was uh, tell us about a little bit about what was the germ where it came from the idea and how is it to develop a series across so many years so that's something very interesting that to a romantic genre we know that it's very tough to develop a story in this genre for so so long you know in this series so tell us about it अम um, तो ये पूरा जर्म पैदा हुआ था आई टॉक इन हिंदी नाउ पूरा जर्म पैदा हुआ था 5 साल पहले एंड दैट्स व्हेन वी थॉट अबाउट इट आई वांटेड टू डू अ मैच्योरड लव स्टोरी एंड आई वाज लुकिंग फॉर अ राइटर टू राइट इट एंड दैट्स व्हेन आई मेट पीयूष एंड पीयूष और मेरा काफी सिंक बैठ गया हम लोग एक ही तरीके से सोच रहे थे पीयूष uh, के दिमाग में एक कहानी थी बोले वो बताई और वी जस्ट वेंट अहेड विद इट Uh, on a pure gut instinct, I mean, just knew that uh, this is going to work with the audience out ऑन अ um, uh, that's when we came out with season one. विद uh, एक बहुत ही सिंपल कहानी थी एक ऐसी uh, औरत की कहानी थी जो एक बहुत ही happily मैरिड लाइफ जी रही है उसके दो बच्चे हैं लेकिन अचानक उसका जो फर्स्ट लवर होता है वो उसके सामने आता है अठारह साल के बाद में और तब उसके बाद में क्या होता है तो एक बहुत ही सिंपल सी कहानी हमारे हाथ में थी आ, लेकिन उसको किस तरीके से पोर्ट्रेट करना है किस तरीके से प्रेजेंट करना है? ये हमारे हाथ में था फीलिंग्स लव रोमांस जो हम लोग आए दिन बातें करते रहते हैं लेकिन उसको एक कहानी में कैसे उतारना है लोगों को कैसे फील करवाना है ये हमारे हाथ में था सीजन uh, वन आया सीजन टू आया उसके दो साल के बाद में कहानी चलती गई और सीजन थ्री अब आने वाला है आज ही रिलीज हुआ है तो आ, आ मैं बहुत 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 खुश हूँ इस चीज को लेकर सीजन थ्री की कहानी तो आपको पीयूष से ही ज्यादा अच्छी तरीके से मालूम हो सकती है लेकिन हमारा पूरा इरादा यह था सीजन थ्री लाने का कि आ, अगर दो लोग मिल जाते हैं हालात उनको मिला देते हैं और अब वो लोग कहीं ना कहीं फैसला लेते हैं कि उनको एक साथ रहना है तो क्या तो क्या प्यार तब भी रहता है एक साथ रहने के बाद भी ये हमारे लिए एक चैलेंज था सीजन थ्री की कहानी में अच्छा तो हमें अभी सीजन थ्री में ये पता चलेगा कि, कि इतना जो दो सीरीज लेके ये लोगों ने कसरत की है साथ रहने की अब वो साथ रह पाएंगे कि नहीं हाँ जी 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 पीयूष आपसे हम जानना चाहते हैं वैसे तो आप बड़े ही मतलब आपसे मतलब एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स सो so, आपने कर दिया है तीन सीजन लिख दिया रोमांस पे पर अपनी पर्सनल चीजें आप बात बताते नहीं हैं आप बहुत ही कम शब्द में बोलने वाले इंसान हैं तो उसमें हमें बताइए कि आपसे कैसे हो पाए इतने इंटरेस्टिंग एक जॉनर है एंड वी हैव सीन वेरियस काइंड ऑफ रोमांटिक सीरीज ऑल अक्रॉस तो इसमें आपका क्या अप्रोच था कि आप तीन सीजन तक इसको लिख सके देखिए जब कहानी स्टार्ट हुई तो हमारे दिमाग में तो तीन सीजन का हमने सोचा ही नहीं था क्योंकि हमारा जो वन लाइनर था जैसे रत्ना ने बताया कि 18 साल बाद वो उदय से मिलती है अंकिता तो वन लाइनर ही ऐसा था कि उसको दस सबसे बड़ा टास्क तो हमारे लिए वही डिफिकल्ट था कि हम इसको दस एपिसोड में ब्रेक डाउन कर सकें क्योंकि मिलवाना तो आपको पहले एपिसोड या सेकंड एपिसोड में ही है देन उसके बाद क्या होगा तो तीन सीजन तो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए दस, दस एपिसोड एक एक घंटे के लिखना चालीस से पचास मिनट एक घंटे का वही बहुत बड़ा टास्क था लेकिन और जहां तक रोमांस की सवाल है तो वो तो वैसे ही लिखना बहुत टफ हो जाता है लेकिन मेरे लिए मेरे लिए ये चीज हम इतना लंबा सफर इसलिए तय कर पाए मुझे ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर्स के कारण जो उदय का कैरेक्टर था जो अंकिता का कैरेक्टर था उनमें इतनी डेप्थ थी खासकर उदय में इतनी डेप्थ थी कि वो आप उसको जितना खंगालोगे जितना आप उसको उसके अंदर उतरते जाओगे आपको उससे बहुत उतना ही प्यार होता जाएगा आप उस, और उसके साथ और चलना चाहोगे तो वो कैरेक्टर ही ऐसे थे कि जिनके साथ एक लंबा सफर तय किया जा सकता है और मुझे कई बार ऐसे मैसेजेस भी आए यानी यानी फेसबुक पे कि लोग कई लड़की एक दो लड़कियों के भी मैसेज आए इस तरह से कि लोग अपने पार्टनर में चाह रहे हैं कि उनको उदय जैसा कोई मिल जाए और फिर मुझे एक मैसेज भी आया कि मुझे उदय जैसा कोई लड़का मिल रहा है या मिल गया है तो आदमी यानी मेरे लिए मेरी कहानी तो मेरे लिए यही मेरी सक्सेस है कि लोग लोगों के लिए ये लगे कि हाँ ऐसा कोई हो सकता है मेरे आसपास ऐसा मैं कोई मिल सकता है मुझे जिससे मैं जुड़ सकती हूँ या जुड़ सकता हूँ तो मेरे लिए कैरेक्टर ही बहुत ज्यादा जरूरी था कहानी तो हमने बुन दी उनके द्वारा बट कैरेक्टर से जो प्यार हुआ लोगों को वही इसकी सफलता है और वही ये हुआ कि हम तीन सीजन तक आ गए तो मैं पूरा श्रेय इसका कैरेक्टर्स को दूंगा उदय को दूंगा अंकिता को दूंगा संदीप नेहा है तो इनके कारण ही ये संभव हो सका दिस इज द क्वेंटीसेंशियल फॉर्मूला ऑफ ग्रेट स्टोरी टेलिंग एक फैंटेस्टिक कैरेक्टर होना आई थिंक अंकिता और उदय दोनों ही ऐसे कैरेक्टर्स है जहाँ लोग इनफैक्ट अपने पार्टनर्स में वो ढूंढ रहे हैं तो हाँ हम कई लड़कियों ने यही चीज मुझसे यानी कई मैसेज आए तो उन्होंने यही कहा कि यार ऐसा बंदा कहाँ मिलेगा यार हमें चाहिए ऐसा बंदा <laughs> सबका यही सवाल रहता था ये कहाँ है ये लोग कहाँ है <laughs> तो इस तरह के सवाल आते थे लोगों के कि यार ऐसे लोग कहाँ हैं तो यही मेरी सक्सेस थी फैंटास्टिक आते हैं उस कैरेक्टर पे उदय जी हमारे प्यारे उदय जी आप हमें बताइए कि द कैरेक्टर दैट यू हैव पोर्ट्रेट ऑफ कोर्स यू हैव अ सर्टेन यू नो इमेज ऑफ दिस यू नो हु कैरीज दिस रोमांटिक जॉनर ऑन हिज शोल्डर विद विद ग्रेट गास्टर सो बट ये उदय का जो कैरेक्टर है आप कितने अपने आप को उदय जैसा पाते हैं और वो करने के लिए वो कैरेक्टर किरदार निभाने के लिए आपको कितनी ईज हुई या अभी तीन सीजन तक उसका भी कैरेक्टर एक ग्राफ तक ग्राफ तक ग्राफ से गुजरा होगा सो व्हाट यू हैव टू टेल अबाउट द पीपल और द गर्ल्स वर लुकिंग फॉर उदय यू यू टेल अस आई थिंक ये सवाल रत्ना से पूछना चाहिए <laughs> क्योंकि उसने मुझ में उदय देखा क्यों देखा um, <laughs> तो आ, मैं काफी हद तक उदय हूं या यूं कहूं कि बाहर जो हूं मैं ज्यादा उदय हूं जो दूसरा किरदार है वो मैं बाहर कम हूँ अंदर ज्यादा हूं नो शायद इसलिए कि मैं उदय में बंधा हुआ हूं या कैद हूं उसमें मैं हम हम सब में एक बचपना भी होता है पागलपन भी होता है लेकिन हम लोग आसपास के माहौल को देख के ही उतना ही बोलते हैं उतना ही वैसा ही बर्ताव करते हैं तो उदय Uh, हमेशा से बाहर रहा है सो uh, so उदय के लिए रेडी होना ज्यादा मुश्किल काम नहीं था वो संजीदा है तो मेरी आवाज आधा काम मेरी आवाज ही कर देती है संजीदगी जो है उसमें uh, बाकी सिंस ऑडियो मीडियम है तो ज्यादा मुझे अपने लुक वगैरह पर मेहनत करनी नहीं पड़ी कभी बनियान में पहुंच गए कभी टी शर्ट में पहुंच गए कभी जैकेट में पहुंच गए <laughs> 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 uh, हमेशा बहुत अच्छी तरीके से अप होते थे रिकॉर्डिंग के लिए सो <laughs> तो so, uh, so ये है कि उदय जो है वो काफी हद तक मैं हूं uh, सिर्फ फर्क ये है कि मे बी अब नहीं लेकिन अगर uh, कॉलेज के दिनों में ऐसा कुछ इश्क हुआ होता तो शायद मैं भी इतने साल इंतज़ार कर लेता लेकिन जैसे जैसे हम आगे ज़िंदगी में बढ़ते हैं हमें समझ में आता है कि इश्क जो है वो सब कुछ नहीं है आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है हम इश्क के लिए रुक नहीं सकते हैं आजकल के ज़माने में मतलब इतने सालों के बाद में आप, आपको यही चीज़ें समझ में आती हैं कि बहुत कुछ है और दूसरा ये है कि हमको ये भी समझ में आता है कि इश्क और प्यार दोनों अलग अलग हैं इश्क जो होता है एक इंसान से हो सकता है प्यार जो है वो आप सबसे करते हैं आप आपको उसे हमेशा महसूस करना है आपको प्यारी में रहना है आ, तो उदय जो है वो कॉलेज वाला इश्क वाला बंदा ज्यादा है यू नो जो किसी के लिए कभी शादी ना करे मतलब पीयूष जैसे हैं जो आ, पता नहीं हमेशा छुपाते रहते हैं आ, कुछ है कि नहीं है हम नहीं जानते हैं इसका इंस्पिरेशन को कहाँ से मिला लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पीयूष वैसे इंसान है जो एक बार मतलब हो गया तो हो गया उसके लिए फिर बीस पच्चीस साल या चालीस साल भी इंतजार कर लेंगे क्यों पीयूष जी मैं गलत हूँ या सही हूँ ये तो आप मेरे ऊपर मत डालिए <laughs> <laughs> मैं उधर की के के बात करता हूँ मेरा हिसाब किताब तो छोड़ दीजिए लोगों को इतनी दिलचस्पी नहीं होगी उदय में है तो उदय हाँ ऐसा करेक्टर रहा है और वो अब क्योंकि मैंने लिखा है तो हो सकता है कहीं ना कहीं मैं वो प्यार करता हूँ नहीं करता हूँ hmm. तो हाँ वो उदय तो मेरे अंदर ही है तभी वो बाहर निकला जिसको प्यार की समझ है और जिसके लिए पाने से ज्यादा चाहना चाहना मायने रखता है hmm. अक्सर प्यार में ये होता है आदमी पाना चाहता है प्यार वो पांच दिन करेगा तो छठवे दिन से वो पांच दिन अगर उसको प्यार पांचवें दिन में अगर उसको तो प्यार हुआ तो छठवे दिन से वो चाहेगा कि लड़की या लड़का मेरे मेरे बाहों में आ जाए या मेरे साथ आ जाए उदय के साथ ऐसा नहीं था उदय ने सिर्फ प्यार किया प्यार किया प्यार किया तो उसने चाह बस और चाहत और एक उसने चाहने को ही अपना सब कुछ समझा तो एक स्टेज ऐसी आ गई कि जिसको उसने चाहा वो उसकी जिंदगी में भी आ ही गया तो उसकी वो शिद्दत आप कह लीजिए जो दूसरों से से इसको अलग इस तरह से करती है कि उसमें दूसरे जब जब यानी आम आम आदमी प्यार करता है तो वो पानी की चाह बहुत रखता है उदय ने सिर्फ चाह है तो इसलिए वो चीज इतना यानी आपको इतनी गहरी नजर आती है और उसने कोई डिमांड नहीं की उसने कुछ मांगा नहीं उसने सिर्फ चाहा जितना उसको उससे हो सकता था तो उसकी वही खूबसूरती थी और वही गहराई थी जो उस कैरेक्टर को यहाँ तक ले आई कि हम उसके तीन सीजन पे आ I गए आई थिंक अगर अगर सामने वाला भी ऐसा कोई मिले जो ऐसा किसी को महसूस कराए कि ये नहीं तो कोई और नहीं तो आदमी इस तरह का इश्क भी कर सकता है इनफैक्ट इस तरह का इश्क हो जाए वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस तरह का इश्क ऐसा होता है जो आपको आपको आपके अंदर बिल्कुल खालीपन कभी महसूस नहीं होने देता चाहे आप आपके साथ कोई पार्टनर हो या ना ना हो बिल्कुल तो वो हो गया तो ऐसे लोग भी यू नो you know, मैं मैं खुद मिला हूं। उनकी पूरी कहानी मुझे पता नहीं बट you know, नो हो गया तो हो गया नो आई थिंक मेरे जो एक्स एक्स बॉस हैं वो भी शायद कुछ इस तरह ही हैं मिस्टर संजय लीला हाँ <laughs> मतलब वो प्रेम तब करते नहीं है वो प्रेम बन जाते हाँ उनको मतलब उन, उन आ, मैं उनकी बात नहीं कर सर की लेकिन आ, वो लोग ऐसे होते हैं जो हो गया एक बार ही हो सकता है उनसे दूसरी बार वो करना शायद चाहते नहीं क्योंकि मे भी डाइल्यूट ना हो जाए या वो जो परिभाषा है या जो अंदर एक बन गया इश्क के लिए वो चेंज ना हो जाए या वो उसमें खराबी ना आ जाए करप्ट ना हो जाए तो वो तो उस उस प्योर फीलिंग के साथ ही बाकी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं ऐसा ऐसा मुझे लगता है वंडरफुल एक तो उदय की बात रही अब आते हैं अंकिता पे रत्ना आप हमें बताइए कि yeah. अंकिता के कैरेक्टर से आप कितने अपने आप को सिमिलर पाते हैं या नहीं पाते हैं एंड हाउ डिड दिस जर्नी टेक फ्रॉम यू नो फ्रॉम अंकिता फ्रॉम सीजन वन टू सीजन थ्री हाउ हैज दैट जर्नी बीन या आई डू रिलेट विद अंकिता तभी शायद मैं उसको प्ले कर पाई और मैं चाहती थी उसको प्ले करना uh, जब जब स्क्रिप्ट भी डिवेलप हम लोग कर रहे थे फर्स्ट सीजन की तब मैं बार बार उस कैरेक्टर में अपने आप को देखती थी और पता नहीं क्यों देखती थी मुझे खुद समझ में नहीं आता क्योंकि लाइफ uh, बिल्कुल भी सेम नहीं है uh, लेकिन यस आई एम आई आई ड्यू डी रिलेट विद वॉट शी गोस्ट थ्रू एक आदमी से प्यार किया लेकिन अठारह साल एक अच्छी uh, शादी भी जी एक बहुत ही लविंग हस्बैंड मिला दो प्यारे बच्चे एंड एवरीथिंग एंड देन उसके बाद में जिस आदमी से प्यार था अठारह साल पहले वो सामने आया और उसको बेसिकली एक डायलॉग भी है जो फर्स्ट सीजन में जो वो कहती है कि आ, लगता है कि वो पिछले अठारह साल से वो लगता है जैसे सो रही थी तो जैसे वो जाग गई है अब उसको देख के और उसका जो प्यार था जो कभी वो उससे करती थी वो एनलाइवन हो जाता है अवेक हो जाता है उसको देख देख के और वो उसको खुद ही समझ में नहीं आता कि उसके अंदर वो प्यार इतने साल छिपा हुआ था क्योंकि दूसरी चीजें जिंदगी में आ गई लेकिन अब जब उससे वो मिलती है तो उसको ये लगता है कि क्या मैं इसको वापस खोना चाहती हूँ ये मेरे मेरी, मेरी लाइफ में इतने पहले था मैंने इससे प्यार किया लेकिन अब जब वापस मिला है तो क्या मैं इसको खोना चाहती हूँ या मैं इसके साथ में रहना चाहती हूँ और इसी कश्मकश में हमारी कहानी बन गई कि कहानी की सीजंस भी इसी कश्म कश को लेकर आए हैं कि वो करती क्या है इस चीज़ के साथ में क्योंकि बहुत बड़ी डिसीजन है सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है लेकिन सोसाइटी को अगर पास अगर साइड में रख दिया जाए तो वो खुद क्या करना चाहती है वो अपने आप से ये सवाल करती है और कैसे वो आगे बढ़ती है अपनी ही एक डिसीजन को लेके जो उसके और उदय के लिए बहुत अच्छा है और वो उसको जीना भी चाहती है वो अपनी बाकी की बच्ची कुछ जिंदगी उसके साथ में जीना चाहती है एंड आई वट सो मेनी पीपल आफ्टर हु लिसन टू द स्टोरी और जो कहते हैं कि अंकिता ने जो स्टेप uh, लिया वो सोसाइटी के सोसाइटी उसको करने नहीं देती लाइक like, अगर रियल लाइफ होती ना ये रियल लाइफ ही है ना लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो वो जानते हैं कि आगे की जिंदगी में क्या चाहिए एंड uh, सही और गलत तो कुछ बचा नहीं है पीपल जस्ट गो दे टू डू इन लाइफ और वही अंकिता का कैरेक्टर और मुझे उसके बारे में यही चीज सबसे ज्यादा पसंद आती है कि किसी की ना केयर करते हुए शी गोज mm -hmm. और यहीं से उन लोग की कहानी बनती है तो हम क्या हमारी जो आइडियाज uh, होते हैं प्रेम या प्यार या जो रोमांटिक आइडियाज होते हैं क्या येविली सोसाइटी पे कंडीशन सोसाइटी द्वारा कंडीशन होते हैं क्या लगता है क्योंकि कई कई लोगों को हमने देखा है कि अपने आप को अगर वो खुश ना रह पाए रह पा तो दूसरों को कैसे खुशी दे सकता है और अपने आप हमें अगर कोई चाहिए जिसके साथ मैं खुश हूं, तो तभी ना मैं मेरे अंदर खुशी होगी एंड ओनली देन आई कैन शेयर तो क्या प्यार का मिल जाना वही इज इट इज इट द सक्सेस ऑफ रिलेशनशिप और क्या

आफ्टर एक एक एज ना अकेले रहना शुरू कर देते हैं आई थिंक हम लोग इत, इतना इसलिए सोचते हैं जैसे अंकिता जो है उसके दो बच्चे भी हैं तो वो उनके बारे में भी सोचती है पति है लेकिन आ, अगर सिंगल होती तो शायद दोनों आपस में बात करते समझ समझते तो ठीक है नहीं समझते तो चलो आप अपने रस्ते में अपने रस्ते लेकिन हमें अपने परिवार का का भी सोचना पड़ता है क्योंकि ताने जो हैं उनको ज़्यादा मिलेंगे हम तो निकल लेंगे नो हम उनको शिफ्ट नहीं कर सकते उनका पड़ोस शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो जहां रहते हैं वहीं रहने वाले हैं तो आई थिंक वो ज्यादा हमको रोकता है अगर ये कुछ नहीं होता बच्चे बच्चों का यू you नो know, नहीं सोचते अगर हम अपने uh, uh, माँ बाप के बारे में नहीं सोचते तो शायद ज्यादा आसान होता है क्योंकि हम रीलोकेट कर लेते हैं जहां कोई हमको जानता नहीं है पहचानता नहीं जो हमारे कल के बारे में नहीं जानता हम एक नई कहानी शुरू कर सकते थे लेकिन सिंस हम लोग सेंसिटिव हैं बाकी लोगों के लिए भी तो हमें ज्यादा फर्क पड़ता है ऐसा आ, मुझे लगता है इज डू यू आल्सो सी द सेम ट्रेंड इन टुडेस जनरेशन आज के कॉलेज गोइंग जो बच्चे हैं क्योंकि आप बहुत लोगों से इंटरेक्ट करते हैं आज भी सो व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट व्हाट इज द सेंटीमेंट ऑफ लव व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव सी आजकल के बच्चे उन्हें खून बहुत ज्यादा है उन्होंने फिल्में बहुत ज्यादा देख ली हैं तो हो सकता है कि वो बहुत बोल्ड कदम उठा लेते हैं लेकिन उनको भी देर सवेर ये बात समझ में आती है कि नो जिंदगी इतनी आसान नहीं है इश्क इतना आसान नहीं है आ, आ, एक चीज जो मुझे जब रत्ना कह रही थी तब एक चीज जो दिमाग में आई इस सीजन को लेके कि इस सीजन में जैसे आ, आप भी आप भी कह रही थी कि मिल तो गए चलो यू नो कुछ लोग खफा हुए मिल गए अब आगे क्या यू नो तो कि लड़ना ना फिर भी आसान होता है इसके लिए क्योंकि आपको पता है कि आप सही हैं तो वो जो सही होता है वो आपको हिम्मत दे देता है किसी चीज़ के लिए तो आप लड़ लिए अब आपने पा लिया खासकर इंसान के अगर केस में बात करें तो अब आपने पा लिया और रिलेशनशिप में ना कुछ सही गलत नहीं होता है रिलेशनशिप में जो आपको सही लगता है आपके साथी को शायद सही ना लगता हो या उसको जो सही लगता है आपको सही ना लगता हो अब इसमें यही है कि आपको दोनों के सही गलत को निभाते हुए किसी तरह शांति प्रिय रहते हुए अपने ईगो को कंट्रोल करते हुए इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है और वो सबसे मुश्किल काम है क्योंकि आपको पता ही नहीं कि सही और गलत क्या है एक तो ना तो लड़का जो है उसने पूरी जिंदगी देखी है ना लड़की ने पूरी जिंदगी देखी है कि उसको पता है कि सही गलत क्या है और दूसरा ये होता है कि हमको सही भी पता होता है हम उस सही के साथ नहीं चल पाते हैं क्योंकि हम इमोशनली मेंटली उस तरह से नहीं बने हैं तो आ, निभाना बहुत मुश्किल काम होता है और ये जो तीसरा जो तीसरी जो आ, सीरीज है वो निभाने के ऊपर है आ, तो वो चैलेंजिंग Uh, काम था सबसे ज्यादा आई थिंक तीनों में क्योंकि निभाना सबसे मुश्किल काम होता है लोग uh, दो दिन के प्यार में भी शादियां कर लेते हैं क्योंकि शादी करना मुश्किल नहीं है माता पिता से झगड़ना मुश्किल नहीं है शहर छोड़ना मुश्किल नहीं है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है आपको क्या कहना है आपने लिखा है इसको हाँ मैं उस चीज पे आ रहा था कि जो पहले सवाल था आपका कि फैमिलीज के अगेंस्ट जाना ये सब तो मेरी यानी जो हमारी ये कहानी है इश्क के दाने ये वही अलग करती है दूसरी प्रेम कहानियों से दूसरी कहानियों यहाँ उसने लड़ा नहीं है यहाँ जब वो अठारह उन्नीस साल की थी वो अपने फादर के कारण उसने उदय से उदय के साथ नहीं भागी वो उसने पूरा समय परिवार को दिया परिवार को जिया उसने सब कुछ किया जो एक आप एक, एक अपना रिलेशन को समाज संभालने के लिए कर सकते हो अंकिता ने वो सब कुछ किया रिबेल वो एकदम से नहीं बनी नहीं तो वो अठारह साल में उदय के साथ भाग जाती पापा उसके देखते रह जाते नहीं नहीं प्यार यही ये यह कहानी इसलिए सबको दूसरी कहानियों से अलग करती है कि नहीं ठीक है फैमिली पहले है तो मैं तुम्हें फैमिली भी देती हूँ मैं फैमिली के लिए भी अपना सब कुछ दे सकती प्यार छोड़ सकती हूँ चलेगा लेकिन एक एक हर हर राह हर हर राह कोई भी सफर में हम चलते हैं तो इतने मोड़ आते हैं हर मोड़ खतरनाक होगा हर मोड़ आपको गड्ढे में फेंकेगा ऐसा जरूरी नहीं है ना कुछ अच्छे मोड़ भी आते हैं कुछ अच्छा समय भी आता है तो ये कहानी इसलिए ये कहानी अलग हो जाती है क्योंकि 20 साल मैंने परिवार को भी देखा फादर को भी देखा मैंने पति को भी संभाला बच्चे को भी संभाला मेरी उम्र ही साठ सत्तर साल है तो मुझसे कितना ले लोगे तो मेरी उम्र में मुझे कुछ हिस्सा दोगे कि नहीं दोगे ये समाज ये ये परिवार मुझे मेरी लाइफ का कुछ हिस्सा देगी कि नहीं साठ सत्तर साल में अगर मैं पचास साल तक आपको दे सकती हूँ तो दस साल में अपने लिए नहीं जी सकती क्या सवाल ये है सवाल ये नहीं है कि आप परिवार के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो सवाल ये नहीं है सवाल ये है कि मेरी लाइफ और मैं ही नहीं जी पा रही हूँ मैं कब तक दूसरों के लिए जीते रहूंगी बच्चे भी बड़े हो गए पति भी ठीक है बाप के कब जिम्मेदारी थी तो वो भी की अरे मेरा प्यार यार मैं अब लेकिन वो उतर ही नहीं रहा मेरे अंदर से वो जा ही नहीं रहा वो बंदा तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं उसको दस साल दे दू या पांच साल दे दू तो सवाल वो होता है कि हमारी जिंदगी है और हमारा ही हक नहीं है तो फिर ये सब फिर हम क्या जी रहे हैं फिर हम हम क्यों जी रहे हैं <laughs> तो मेरे लिए इसलिए ये कहानी अलग हो जाती है कि उसने सबके लिए किया ऐसा नहीं है कि वो पहले दिन दिन से से रिबेल है या पहले दिन से भाग नहीं और उदय ने भी वही किया कि ठीक है तुम्हें अपने परिवार को संभालना संभाल लो यार मेरे हिस्से में तुम्हें पाना नहीं है लेकिन मेरे हिस्से में चाहना तो है ना तो मैं चाहूंगा जब तक मेरे अंदर वो तुम जिंदा हो जब तक, तक तुम जिंदा हो मैं मेरे अंदर तुम जिंदा हो मैं तुम्हें चाहता रहूंगा मैं तुमसे कभी नहीं कहूंगा कि तुम मेरे पास आ जाओ ये समाज है या ये परिवार है ये हक तो मुझसे नहीं छीन सकता मैं किसी को अंदर ही अंदर चाह रहा हूँ तो तो वो मेरी चाहत है ना वहां तो आप नहीं आ सकते हो वहां तो परिवार नहीं आ सकता वहां तो समाज नहीं आ सकता तो ये ऐसे लोगों की कहानी है जो 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 बहुत गहरे हैं यानी जिनके लिए प्यार को लेके बातें बहुत गहरी है और जब ये लोग प्यार करते हैं और जब ये प्यार में उतरते हैं तो इनको तो मिलना ही होता है इनको मिलाना ही, ही पड़ता है चाहे राइटर हो चाहे वो रियल जिंदगी में अगर कोई ऐसा है तो मुझे लगता है कि उसको मिलना ही चाहिए तो मेरे लिए ये चीजें ज़्यादा इस कहानी को मेरे लिए ये कहानी इस तरह से आती है दीज़ आर ऑफ़ अ ट्रू रोमांटिक पता चल गया है अभी रत्ना तो तुमने ये पीयूष के साथ क्यों शुरू किया था <laughs> <laughs> पीयूष के अंदर के थॉट्स निकालने के लिए <laughs> तुम्हें क्या लगता है बताओ हमारा हम हमसे हम शेयर करो आ मुझे आज के लोगों के बारे में ज्यादा नहीं मालूम <laughs> मुझे मुझे बहुत ज्यादा क्रिएटिव लगते हैं आजकल के बच्चे मैं बच्चे ही कहूंगी और आ, आ, उनका दिमाग हर जगह है डिस्ट्रैक्शंस काफी है लाइफ में और आ, सच पूछो तो मुझे कभी भी किसी ने कोई उनके जो लव थॉट्स है वो कभी मुझसे शेयर नहीं किए तो मुझे कभी मालूम ही नहीं पड़ा कि वो लोग सोचते क्या है इस चीज को किस तरीके से लेते हैं किस कैसे ट्रीट करते हैं और जहां तक रही हमारी बात हाँ हम थोड़ा सा हम जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं आ, प्यार बहुत मेरे लिए बहुत कीमती है किसी से भी प्यार करो कभी भी प्यार करो आ, कुछ कुछ चंद पल तुमने प्यार की जी लिए किसी के साथ में आ, मेरे लिए वही प्यार है और आ, अंकिता आ, इफ अगर मेरा प्यार होता कॉलेज डेज में और मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन होती शायद मैं अंकिता की तरह बिहेव करती मुझे नहीं मालूम अः लेकिन हाँ लेकिन प्यार अगर प्यार को एक लंबे अरसे तक फॉलो करें या प्यार थोड़े से ही टाइम के लिए क्यों ना हो प्यार प्यार है मेरे लिए <laughs> प्यार अठारह साल का भी प्यार है चालीस साल का भी प्यार है एक साल का भी प्यार है एक घंटे का भी प्यार है मेरे लिए सब प्यार है Uh, अगर कुछ मोमेंट्स ही प्यार के जी लिए मेरे लिए वो प्यार है यू you नो know, आ, इस थोड़ा सा ऐड करने के लिए आ, आजकल की पीढ़ी की जहाँ तक बात हो रही है कि एक तो ये कि वो लोग ना बहुत कुछ बहुत जल्दी जी लेते हैं यू you नो know, पहले बहुत वक्त लगता था हमने हाथ से छूने में भी किसी को बहुत वक्त लगाया है यू नो आजकल वैसा नहीं है आप नो you know, प्यार के लिए वक्त चाहिए होता ठहराव चाहिए होता है और यूथ में जो होता है उसमें ठहराव बहुत कम लोगों में होता है उन लोग हर चीज जल्दी पाना चाहते हैं और आज आ, आ, आज आजकल मैंने इतने किस्से सुने और उसकी वजह से डिप्रेशन के मैंने केसेस बहुत देखे हैं आ, बच्चों में क्योंकि वो बहुत जल्दी बहुत कुछ कर लेते हैं उनको लगता नहीं है कि वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको लगता है कि बहुत कूल थिंग है यू नो वन नाइट स्टैंड हो गया या आ, बहुत फटाफट रिलेशनशिप बना लिया तोड़ लिया उनको लगता है कि बहुत कूल चीज़ है और जो नहीं करता है वो बहुत लूजर uh, टाइप का आदमी है जो जो ब्रेकअप से नहीं गुजरना चाहता है जो यू you नो know, देवदास नहीं बनना चाहता है उनको लगता है कि ये बहुत अनकूल चीजें हैं तो वो लोग शायद जाहिर नहीं करते हैं और इस वजह से ना इस तेजी की वजह से वो प्यार नहीं कर पाते वो बाकी सब कर लेते हैं प्यार उनको तब आता है जब उनमें ठहराव आना शुरू होता है जब उनको समझ में आता है कि कुछ चीजों के लिए रफ्तार नहीं चाहिए होती है कुछ चीजों के लिए आप, आप में थोड़ी सी धीमापन चाहिए होता है और वो धीरे धीरे होता है या तो दो तीन ब्रेकअप के बाद होता है या दो तीन दो uh, तीन नहीं बट दोन इंटू टेन सालों के बाद में होता है। आप दोनों ने ही बहुत सारे किरदार को प्ले किया है इस इस पूरे सीरीज में। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली जैसे वी ऑल नो कि कैरेक्टर्स चेंज होते रहे हैं कैरेक्टर आर्क चेंज होते रहे mm -hmm. हैं सो so, उसका एक्सपीरियंस कैसा था uh, आप बताइए अंकिता

<laughs> <laughs> तो करण विल कम ऑल द वे टू तो माय हाउस ही पिक मी अप एंड देन विल गो टू तो द स्टूडियो तो वो मुझे लगता है जो आउटसाइड द तो मोमेंट्स है वो हमने बड़ा मजेदार मतलब बहुत मजे कर कर के जिए हैं ऑलमोस्ट लाइक like तो एक एक बार तो करण ने मजाक में मोबाइल पे मैसेज लिख दिया कि हाँ उदय अंकिता को लेने आता है अभी <laughs> तो <laughs> <laughs> करने पड़ते थे uh, another fun thing was that हम लोग एक दूसरे को डिरेक्ट कर रहे थे तो कि मैं कहीं भी कभी भी गलती करती या अंकिता का कोई भी भाव अगर ड्रॉप हो जाता कहीं पे भी तो करण एकदम से बोलेंगे नहीं दोबारा करो <laughs> वो तो इतना फॉर्म होता था कि नहीं दोबारा करो <laughs> तो वो दोबारा करना ही पड़ेगा अब और uh, कभी करंट का कर, मुझे लगता है करंट में ज्यादा मैंने ये देखा कि जब दूसरे कैरेक्टर्स हम लोग प्ले करते थे और वो यंगर कैरेक्टर्स हैं कहीं बच्चा है कभी कहीं ब्रदर है कभी बाप है तो uh, वो थोड़ा सा उसका टोन ला पाना थोड़ा सा मुश्किल होता था तो थोड़ा उसमें रीटेक्स होते थे तो बट इट वॉज अ लॉर्ड ऑफ फन हाँ करण बिल्कुल आ, सिर्फ एक चैलेंज जो आता था ना वो होता था जब हम एक सीरीज कर चुके हैं उसके बाद हम मिलते थे छह महीने बाद या आठ महीने बाद और ना हमको पूरा वापस याद करना है कि कौन कैसा है आर कहाँ तक पहुंचा है और दो तीन खासकर दो तीन कैरेक्टर्स अगर साथ में चल रहे हैं तो उसकी आवाज मैंने कैसी रखी थी यहाँ पे कितना बेस कट किया था बेस आवाज का यही फायदा कि आप सॉफ्ट जा सकते हो सॉफ्ट वाला बेस नहीं डाल सकता लेकिन बेस वाला फिर थोड़ा कम बेस थोड़ा ज्यादा बेस एनर्जी थोड़ी ऊपर मे बी सुर थोड़ा ऊपर या बूढ़ा होना भी आसान होता है व्हेन यू यू हैव अ बेस बेस वॉइस नो और अपन तो वैसे भी अभी थोड़े से एज खा ली हमने <laughs> तो बूढ़ा उगल दे सकते उगल लेते हैं कभी कभी आम, तो जहां तो हमने क्या किया था कि हम लोग हर कैरेक्टर का ना एक वो निकाल के रख लेते थे कि इसका एक लाइन ना आप साइड में निकाल के रखो कि जैसे मैं उस कैरेक्टर पर आऊंगा मुझे सुना देना कि उसका पिच क्या है उसका उसकी स्पीड क्या है तो हमको समझ में आ जाए खासकर जब ये दूध वाला हो गया बीच में किसी का पंडित हो गया नो बाप हो गया किसी का वो एक के बाद एक आ रहे हैं तब हमको थोड़ा चैलेंजिंग होता था कि इसको कैसे हम आ, अलग कर सकते हैं कई बार तो लहजा हम लोग बदल लेते थे आई थिंक नॉर्थ में पले बड़े होने का एक फायदा हो, यही है कि हमको लहजा आसानी से बदला जा सकता है साउथ में पले बड़े होते तो शायद उतना आसान नहीं होता uh, तो ये चैलेंजेस भी थे लेकिन uh, मजा भी आता था अचीव uh, करने पे खासकर और जब uh, ऐसे सीन्स आते थे जहां पर इमोशनल होना है या इंटीमेट होना है वहां पर मुझे बड़ा मजा आता था क्योंकि वो ऐसी चीजें हैं जो अगर छुई नहीं ऑडियंस को तो फिर वो सीन पूरा वेस्ट पीयूष भाई की मेहनत वेस्ट कि अगर मैं इमोशनल हुआ हूं तो सामने वाले को भी यू you नो know, दुख होना चाहिए सामने वाले के अंदर भी रोमांस पैदा होना चाहिए तो वहां पर हम लोग अच्छा वक्त देते थे और वहां पर रत्ना भी बहुत मुझे बताती थी कि थोड़ा और चाहिए थोड़ा और यू नो इंटेंस चाहिए या और प्यार से चाहिए बहुत सीधा हो गया कई बार मिक्सअप भी होता था, था दो तीन कैरेक्टर में फिर अंकिता कह रहा हूँ रत्ना कहती थी कि वो उदय 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 हो गया है, संदीप उदय हो गए या उदय संदीप हो गया <laughs> <laughs> और कई बार हम एक दूसरे की लाइन पड़ जाते थे क्योंकि इतना <laughs> रहते थे कि अब मेरी बारी में फिर रत्ना बोले कैरेक्टर का नाम नहीं दिखता था डायलॉग डायलॉग से पहले <laughs> वो बस पढ़ते पढ़ते जाओ जाओ और कई बार तो ऐसा होता था कि वो एक दो पन्नों में है ही नहीं मतलब या तो रत्ना नहीं है या मैं नहीं हूँ मैं तो अपना आराम हाँ। से फिर अपना सिप कॉफी सिप करना शुरू <laughs> शुर। कोई एक मौका मिलता था जब हम अपना कॉफी पी सकते थे वरना मौका ही नहीं मिलता था हम लोगों को बीच बीच में <laughs> लेकिन हाँ आई विल हैव टू अग्री विद कारण के किस तरीके से इमोशनल मोमेंट्स में ज्यादा हम लोगों ने ध्यान दिया है Uh, बहुत चैलेंजिंग uh, है अगेन वी यूजिंग द सेम वर्ड अगेन एंड अगेन दैट लिसनर्स को इमेजिन करवाना कि वो मोमेंट क्या चल रहा है और वो आप सिर्फ अपने इफ यू आर फीलिंग व्हाट यू आर सेइंग ओनली देन दैट फीलिंग कैन रीच द ऑडियंस तो uh, वो कहते 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 कि वो वो ऐसे ही रोएगी जब लवर के साथ में होगी तो वो ऐसे ही रोएगी वो ऐसे ही उसके साथ तो आई हैड टू इमेजिन द होल सिचुएशन कि वो करीब आ रही है वो उसके गाल को सहला रही है या वो किस भी कर रही है तो वो एक मोमेंट कैसा है तो आई एम लिविंग इट इन माई माइंड एंड देन आई एम सींग इट और इसलिए वो इतना खूबसूरत वो पल आता था एंड में कि एक पूरा अगर वो तुम एक सीन तुम सुनोगे जहां पे दोनों इंटरमेट हो रहे हैं तो यू यू विल दैट मोमेंट और दैट लिसनिंग इतना आ आगे। तो आगे। आगे मुझे कि मैं, मैं के सर पे बैठी रहती थी कि मुझे रोमांटिक मोमेंट्स चाहिए मुझे रोमांस चाहिए तो पीयूष ने भी काफी अपना सर खपाया है इन्वेस्ट किया है कि किस तरीके के लव मोमेंट्स दोनों के बीच में होंगे कैसे कैसे, कैसे ले लेकर आते थे आप उस वक्त <laughs> अपने भीतर यो रोमांस और इंटीमेसी आप कैसे लेकर आते थे ने, क्या करते थे तो, कौन सी इमेजिनेशन थी नहीं नहीं रोमांस तो मेरे अंदर बहुत भरा है कूट कूट के <laughs> <laughs> तो ये इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं होती लिखने में आ जाते हैं

कुछ अलग होके और कुछ आ गया है या पहली बार जब सुना क्योंकि मुझे लगता है राइटर की जो लिखा हुआ चीज है एक नरेटर उसको एकदम प्राण दे देता है उसको यू नो एक्चुअली ब्रिंगिंग इट अलाइव इज व्हाट हैपेंस इन अ नरेशन सो हाउ वाज दैट फीलिंग फॉर यू मेरे मेरे मैं इस, इस इस मामले में मैं खुशकिस्मत रहा कि मुझे आ, मेरे उदय और यानी अंगिता दोनों ही मिल गए यानी करण के साथ तो बिल्कुल मेरा ऐसा रहा कि कि वाकई ऐसा लग रहा है जैसे मैंने करण के ही लिए लिखा था जो भी है करण की वॉइस में इतना वो वो ठहराव है है और जब वो कहता है, शब्दों को इतना इतना अच्छे से वो यानी लाइंस को इतना, उसमें जान डाल देता है और वही चीज रत्ना के साथ हुई कि अंकिता की जो भी जिस तरह की उसका कैरेक्टर था रत्ना ने बहुत अच्छे से उसको पकड़ लिया और यही रीजन रहा कि मेरी ज्यादातर सीरीज में यही दोनों आवाजें हैं <laughs> कोई तीसरे की ज्यादा मेरे ख्याल से कहीं कहीं आए हैं बट मेरे मेरी सारी सीरीज में यही दोनों है इनफैक्ट तो... मुझे मैं आ, मैं जब पीयूष से मिला ना तो मुझे आ, इसी बात की फिक्र थी कि क्या मैंने उनके किरदार को ठीक से संभाला है कि नहीं क्योंकि एक राइटर जो है उसको जीता है इतना और उसके बाद मैं उसको यू नो जान दे रहा हूँ ठीक से कि नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं, मैं खुद एक राइटर हूँ तो मुझे पता है कि मैंने जो लिखा है उसे वो जब तक मेरे पास है वो मेरा है लेकिन अब दुनिया के पास पहुंच गया है, तो वो सिर्फ मेरा नहीं है वो नरेटर के हिसाब से भी जा रहा है किरदारों के हिसाब से भी जा रहा है क्या वो वैसा जा रहा है जैसे मैंने सोचा था तो जब पीयूष ने कहा कि हाँ मुझे मेरे उदय और संदीप और अंकिता सब मिल गए तो मुझे बहुत सुकून <laughs> <laughs> हाँ और हमारे और मैंने जब जब मैं देखता हूँ कमेंट्स लोगों के तो मैंने एक चीज यही देखी कि जिसने भी तारीख की ज्यादातर लोग ने यानी रत्ना और करण की की फिर वो राइटर के साथ भी आ गई बात तो वो तीनों का एक, तीनों को ही वो तारीफ मिली वो अप्रिसिएशन मिला तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात है कि नहीं हमारा ये एक जो टीम वर्क था वो सही दिशा में गया ये सही में एक मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि राइटिंग एक इतना फुलफिलिंग प्रोसेस है और एक बहुत ही प्यूटिफुल प्रोसेस है राइटर लिखेगा नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे <laughs> ना आप कुछ बोल सकते हैं ना आप एक्ट आउट कर सकते हैं आप कुछ नहीं कर सकते हैं जन ही राइटर देता है सारी चीजों को पूरी कहानी राइटर की है तो जब तक राइटर की uh, उस उस वो जितना संजीदा है कहानी को लेकर किरदारों को लेकर उतनी ही अच्छी तरीके से एक्टर्स या वॉइस एक्टर्स उस किरदार को पोर्ट्रे कर सकते हैं सो इट ऑल थैंक्स टू द राइटर्स इट स्टार्ट विद I think this is what we call the

आ, आ, दोस्त मिल दोस्त हैं और एक दूसरे को जाना है पीयूष से तो मैं शायद एक ही बार या एक ही दो बार मिला हूँ जब हमने प्रमोशन किया है हम लोग उसके बाहर मिले ही नहीं है अभी तक मैं उनको सिर्फ उनके किरदारों के जरिए जानता हूँ उनकी राइटिंग के जरिए जानता हूँ और ये जो हम लोग ये लाइव सेशन करते हैं या प्रमोशन के लिए मिलते हैं बस जितना देखा है उतना ही मैं जानता हूँ अभी तक बट होपफुली हम लोग यू नो मिलेंगे Uh, कभी uh, दोस्त की हैसियत से भी हम एक दूसरे को जानेंगे मुझे लगता है आप सब एक दूसरे को बहुत गहरी तल से जानते हैं क्योंकि ये बहुत ही गहरा एक एक्सप्रेशन हो रहा है काम के थ्रू जो आ रहा है जैसे genre, मैं तो को बुलाती थी। और, <laughs> अच्छी अच्छी और पीयूष तो अभी पता ही चल रहा है कितना रोमांटिक और आपका कि ऐसा है ही काम जो यू नो यू तो जरूरत पड़ती नहीं है पीयूष लिख देते हैं मैं पढ़ देता हूँ बस <laughs> रोमांस <देता। laughs> <laughs> <अच्छी ऐसा। laughs> No, तो no, no, 14 no. वाला रिलीज में आप दाने के टीम अपने ऑडियंस लिए क्या मैसेज छोड़ने वाले हैं स्टार्टिंग रत्ना ने और जिसने फर्स्ट टू सीजन प्लीज वापस जाके सुनिए uh, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि इसमें प्यार है टकरार है और वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो एक्चुअली आपके आज की लाइफ में मिसिंग है तो प्यार को फिर से जीना है चाहे कोई भी उम्र का आदमी हो प्यार को फिर से जीना है या वो कुछ अच्छे से मोमेंट्स ही जीने हो तो प्लीज जाके इश्क दानी सुनिए लवली पीयूष अरे मैं यही कहूंगा कि सुनिए बहुत मेहनत लगी है लिखने में <laughs> 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 और मुझे लगता है कि हाँ जिस तरह सीजन वन या सीजन टू में हमें प्यार मिला सीजन थ्री में भी उतना ही प्यार मिलेगा और बस यही है मेरा कि आप सुनिए जरूर महसूस कीजिए इश्क को <laughs> सुनके महसूस कीजिए यही है करन। uh, मैं ये कहना चाहूंगा कि I hope and I pray that हर किसी को इश्क हो uh, उनकी जिंदगी में एक बार doesn't matter कि उनको प्यार मिला नहीं मिला उनको भी इस बारे में सोचना नहीं चाहिए एक एक दो बार दिल टूट गया तो फिर भी सोच सोच के आगे बढ़ें आ, लेकिन एक बार उनको शिद्दत से प्यार करना चाहिए बिना ये सोचे समझे कि आगे क्या होगा क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा क्योंकि आ, प्यार का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये कि वो आपके भीतर कंपैशन पैदा करता है आपको बतौर इंसान और, और ख़ूबसूरत बनाता है और आपके अंदर वो यूनिवर्सल प्यार पैदा प्यार करता है जो हर किसी से फिर हर किसी में प्यार बांट सकता है और हर किसी के प्रति प्यार महसूस कर सकता है उसकी शुरुआत इस इश्क से होती है तो हर किसी को ओपन रहना चाहिए प्यार के लिए इश्क के लिए और निडर होकर क्योंकि ये जो पाना खोना है ना वो पांच दस साल के बाद में आप भूल जाएंगे लेकिन उस प्यार का उस इश्क का जो असर है वो जिंदगी भर रहेगा और वो हमेशा खूबसूरत ही रहेगा तो प्यार को आप एज uh, इन्वेस्टमेंट uh, माने जो हमेशा रिटर्न्स देते हैं लेकिन आप जिस तरह का रिटर्न चाहते हैं वैसा नहीं होगा लेकिन जो भी होगा वो बेहद खूबसूरत होगा वाह दैट्स अ वंडरफुल नोट टू लीव विद एवरीबॉडी थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू सर एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ the listeners and audience to go and listen to Ishke Dane season 3 on Storytel. Thank you so much. Thank you. Sir. Thank you.